गाजा पट्टी में शहीद हुए कमांडर के परिवार वालों से मुलाकात की है बेंजामिन नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने शहीद मेजर के घर जाकर शोक प्रकट किया। गाजा पट्टी में शहीद हुए थे मेजर मोशे, परिवार वालों से मुलाकात, संवेदना जाहिर की। और वहीं हमास की सुरंगों पर इजरायली सेना की कार्रवाई जारी है। इजरायली सेना के इंजीनियरिंग टीम सुरंगों का पता लगाने में लगातार जुटी है। सुरंगों के प्रवेश द्वार पर डेटोनेटर से धमाके कर रही है IDF, तो लगातार इन टनल्स की खोजबीन और उन्हें ब्लॉक करने या उन्हें डिस्ट्रॉय करने का ये ऑपरेशन भी चल रहा है। और एक और बड़ी खबर, गाजा में छानबीन के दौरान इजरायली डिफेंस फोर्स को एक और सुरंग मिली है। अल शिफा अस्पताल परिसर में सुरंग का प्रवेश द्वार एंट्री पॉइंट मिला। यह देखिए, यह वही एंट्री पॉइंट है जो कि IDF के हाथ लगा अस्पताल की इमारतों के बीच सुरंग का एंट्री पॉइंट है जिसका पता चला। और इसके बाद यहां पर बड़ा धमाका करके इसे ध्वस्त भी किया गया, इसे तबाह किया गया। तस्वीरें आपके सामने। तो गाजा के अल शिफा अस्पताल में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और हमास की करतूतों की ऐसी बैलेंस शीट है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया हैरान है। आप जरा देखिए, पहली बड़ी बात क्या आ रही है, इजरायल की आर्मी इस वक्त गाजा के अल शिफा अस्पताल में बहुत बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और इस अस्पताल से हमास का असली चेहरा दुनिया के सामने इजरायल ने बताया है कि कैसे गाजा का सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल का जो इस्तेमाल है वो हमास हथियारों का डिपो के तौर पर कर रहा था, जहां पर उसने बड़ी तादाद में हथियार को छिपा कर रखा था। रवि, बिल्कुल। और देखिए, इजराइल की डिफेंस फोर्स ने बाकायदा वीडियो सबूत पेश किया और दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल में अपने घातक हथियार छिपाकर रखे थे। ये IDF ने वीडियो सबूत भी दुनिया के सामने रखा। इतना ही नहीं, कहीं पर मरीजों की आड़ में तो कहीं पर MRI मशीनों के पीछे बंदूक और ग्रेनेड रखे हुए थे। इसका भी वीडियो सबूत, वीडियो प्रमाण सामने आया है। और इसके अलावा इजराइल का यह भी दावा है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का हेडक्वार्टर भी है जहां पर बैठकर इजराइल पर हमले की रणनीति को तैयार किया गया। इजराइल डिफेंस फोर्स की ओर से जारी किया गया ये जो वीडियो हम आपको पॉइंटर्स के साथ दिखा रहे हैं, ये उन लोगों को भी देखना बहुत जरूरी है जो हमास के हमदर्द बन रहे हैं, जो गाजा में आम लोगों की जान की दुहाई देते हुए हमास को कवर फायर दे रहे हैं। एयर वाइस मार्शल हमारे साथ राजेश कुमार सर भी बने हुए हैं। राजेश कुमार सर, सवाल मेरा आपसे है कि आप देखें जो दावा किया IDF ने वो सबूतों के साथ वीडियो के साथ IDF अब पूरी दुनिया के सामने रख रही है, तो सवाल ये उठता है कि पूरी दुनिया से जहां एक तरफ विरोध हो रहा है इजरायली कार्रवाई का, क्या वो आवाज कहीं कम होगी? क्या उसको ही महसूस होगा कि हाँ, अगर IDF ऑपरेशन चला रही है तो हमास के खात्मे के लिए चला रही है? देखिए, ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है वो तो पहले दिन से ही शुरू हो गई थी और कई बार उन्होंने इजराइल के दावों को नकारा जा रहा है। कई कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग फिलिस्तीनी सपोर्ट में हैं वो ज़रूर ये कह रहे हैं कि ये जो सबूत है वो पूरा नहीं है, इनफ नहीं है। ये 10-15 हथियार क्या हैं, इसमें कोई कमांड सेंटर नहीं है, ये कमांड सेंटर मनगढ़ंत कहानी है, वगैरह वगैरह। तो इसराइल को ज़रूर ये दिखाना पड़ेगा कि जो उनकी जो चीज़ें उन्होंने बरामद की हैं, किस टाइप के हथियार और किस टाइप के होस्टेजेस के जो सबूत मिले हैं वो सामने लाने पड़ेंगे, तभी जो है थोड़ी सी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी कम होगी। और जैसे शुरू में हमने देखा था जब इजरायली बच्चों के जो हमास ने स्लॉटर किया था उस पर लोगों ने शक उठाया था, इस तरह भी अभी अल शिफा के नीचे कमांड सेंटर के ऊपर लोग शक जाहिर कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक जो कमांड सेंटर और होस्टेजेस के बारे में इजरायल ने जो वीडियोस जारी किए हैं वो कम हैं, परंतु शायद वो अपने पास ये रखना चाहती है क्योंकि उनको होस्टेजेस की जो सेफ्टी है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जरूर कहीं ना कहीं होस्टेज वहां पे थे, वहां से निकाले गए हैं, सुरंगों की तरफ से किस तरफ गए हैं वो उनको कुछ लेकिन जरूर मिला होगा। देखें कि हमास या हमास के जो भी समर्थक देश या ग्रुप है उनकी तरफ से ऐसे कोई बहुत प्रमाणिक चीजें नहीं रखी गई हैं कि इस ऑपरेशन में जो भी वीडियो दिखाया जा रहा है इजराइल की तरफ से उसमें कहीं कोई बहुत बड़ा फॉल्ट है या मैनिपुलेशन है। उसका भी इंतजार रहेगा क्योंकि हमास इस पर जरूर काउंटर देगा।